हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल गाइस। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले इंडिया और आयरलैंड के बीच स्टार्ट होने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज में से, जिसमें सबसे पहला मुकाबला 18 अगस्त को 7:30 बजे शाम में खेला जाने वाला है। गाइस, आप देख सकते हो इस मैच की सारी डिटेल, लेकिन कैसी होगी पिच, किसको फेवर करने वाली है, क्या होने वाली है इंडिया की प्लेइंग 11। रिसेंटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप T20 हार के आ रहे हो, तो यहाँ पर एक बड़ी उम्मीद लगाई जाएगी। और मुंबई इंडियंस को काफी सालों हराने के बाद बुमराह की हो चुकी है वापसी, और यहाँ कप्तानी का भार भी सौंप दिया गया है। तो देखते हैं किस तरह से वो अपने इंजरी के बाद से रिकवर होके इस मैच में कितने विकेट निकालने वाले हैं, कितने ओवर डालने वाले हैं, सारी बातें डिटेल में करेंगे। इंडिया अगर टॉस जीत के यहाँ बॉलिंग करती है तो कैसी टीम बनने वाली है, लेकिन अगर इंडिया चेस करती है तो क्या फिर से यशस्वी के साथ कैप्टन जाना सेफ रहने वाला है, तो सारी बातें डिटेल में करेंगे। लेकिन गाइस, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन के टॉप पे आ जाए, आपको पता चल जाए फैंटेसी क्रिकबॉल अपनी वीडियो लेके आ चुकी है और इस मैच की सारी डिटेल क्या रहने वाली है। और थैंक यू सो मच आप सबको इतना सपोर्ट करने के लिए, आपके सपोर्ट से यहाँ तक आई हूँ, अभी बहुत आगे जाना है, तो ऐसा ही साथ विश्वास प्यार समर्थन बनाए रखिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको टेलीग्राम का मेंबर ज्वाइन होना जरूरी है, यहाँ पर बेस्ट कॉमेंट ऑफ द डे विनर होने वाला है हमारा। तो गाइस देखो, वीडियो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का, पहले चैनल देखो, एक सेकंड लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। उसके जस्ट ऊपर ऑप्शन दिखेगा मोर का, जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे आपके फोन में ओपन हो जाएगा ये पेज, यहाँ पर दिखेगी हमारे चैनल की लिंक, लिंक पे करना है क्लिक। लिंक पे क्लिक करते ही आप आ जाओगे हमारे चैनल में, आपको यहाँ से ज्वाइन हो जाना है। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो फैंटेसी क्रिकबॉल ऑफिशियल, बिना गैप दिए आप सर्च करके भी डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन कोशिश करना यार कि प्रायोरिटी होगी हमारी कि आप लिंक से ज्वाइन होना, ताकि आप किसी फेक चैनल पे ना ज्वाइन हो जाओ। और सब लोग यहाँ पर, मैं यही बोलूँगी कि सब लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना यार। चलो आगे बात कर लेते हैं, फिर आप कहोगे बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ मैं, तो चलो जल्दी जल्दी बात करेंगे मैच वेन्यू की। सबसे पहले बात करेंगे ये मैच कहाँ होने वाला है, डबलिन का पिच होने वाली है, और डबलिन की पिच कैसी होगी। तो गाइस देखो, ये पिच ना एक लाइन में अगर मैं स्पष्ट बोलूँ तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बल्लेबाज भयंकर यहाँ पर बड़े बड़े शॉट लगने वाले हैं। ये T20 आप पूरा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर बनने वाला है इस मैच में, और काफ़ी छक्के चौके दोनों तरफ से लगने वाले हैं। और इंडिया के खेमे से तो स्पेशली जो प्लेइंग 11 है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। संजू सैमसन का स्पेशली देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से यार बंदा बहुत गजब खेलता है, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखो बैक टू बैक फ्लॉप, तो क्या यहाँ पर भी फ्लॉप होंगे, ये बात हम आगे करेंगे। लेकिन अभी पिच की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, आपके बैटिंग से भयंकर पॉइंट मिलने वाला है, इसका मतलब है बल्लेबाज को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में रखें। और अगर गेंदबाजी की बात करें, अगर स्टार्टिंग के ओवरों में तो देखो पेसर को हमेशा से ही मदद मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गेंदबाजों को थोड़ी प्रॉब्लम होती हुई पिच पे नजर आएगी। तो आगे बात स्टार्ट्स ही कर लेते हैं गाइस। देखो पिच पे टोटल 16 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 7 और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मुकाबले जीते हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो 160 प्लस का है, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर स्कॉटलैंड ने बनाया 252 पे 3 है, लोएस्ट स्कोर आयरलैंड ने बनाया है यहाँ पर 70 पे, पूरी टीम निपटी थी। अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखो 16 में से 7 मैच यहाँ पर 150 से नीचे वाले मैच हुए हैं, 150 से 169 वाला मैच 2 बार हुआ है, और 170 से 189 2 बार, लेकिन 5 मुकाबले 190 प्लस के मैच भी हुए हैं। लास्ट कुछ मैच की बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो आप देखो पेसर को कितनी मदद है, जो मैंने आपसे बोला, हालांकि अगर पिच आप स्टैट्स पे जाओगे ना, और आप बोलते हो, मैं हमेशा कहती हूँ पिच स्टैट्स बहुत बार आपको डाइवर्ट कर देता है, आप सोचोगे कि यहाँ स्पिनर को मदद है, लेकिन आप रिसेंट के आंकड़े जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसेंट में किसको मदद मिली, और ये आंकड़े यही कहते हैं कि आपके पेसर को ज़्यादा मदद है। हालांकि फिर भी मैं आंकड़ों पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि आपकी टीम में कौन सा बॉलर है, वो किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी रीसेंट फॉर्म क्या चल रही है, ये सबसे बड़ा मैटर होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, जो पिच पे रीसेंट के जो वेन्यू पे मैच खेले गए ना, किस तरह के मैच हुए, कितने रन बने। तो गाइस लास्ट मैच जो खेला गया था यहाँ पर इंडिया और आयरलैंड के बीच में ही खेला गया था, जिसको इंडिया ने जीता था। टोटल देखो यहाँ पर 12 विकेटें गिरी थी, जिसमें से स्पिनर को सिर्फ एक विकेट मिली है, वो भी सेकेंड इनिंग में। पेसर की अगर बात करें तो देखो फर्स्ट इनिंग में 7 विकेटें मिली और सेकेंड इनिंग में मिली है 3 विकेटें। एक और मैच देख लेते हैं, आयरलैंड वर्सेस इंडिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर इंडिया ने चेस करते हुए जीता था,
टोटल 7 विकेटें गिरी थी। यहाँ पर भी देखो स्पिनर को 1 विकेट मिली है, पेसर को फर्स्ट इनिंग में भी 3 मिली है, सेकंड इनिंग में भी 3 मिली है। तो ये दोनों मैच जो इंडिया आयरलैंड वाले हुए हैं आपके सामने आंकड़े कि पेसर को ज़्यादा मदद है। लेकिन एक और मैच देख लेते हैं, आयरलैंड वर्सेज नीदरलैंड। इस मैच को नीदरलैंड ने जीता था गाइस, डीएलएस माथर थे। टोटल यहाँ 5 विकेटें गिरी थी जिसमें से बराबरी एवरेज है, 2 विकेट स्पिनर को 2 विकेट पेसर को मिली है। लेकिन इंडिया आयरलैंड वाला अगर आप मैच देखो तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि एक उस तरह का ही मैच फिर से देखने को हमको मिल सकता है। चलिए आगे जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या होने वाली है इंडिया की प्लेइंग 11। तो गाइस देखो इंडिया की तरफ से ओपन करने आएंगे यशस्वी जायसवाल, उनका साथ देते हुए देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़। अगर मैं बात करूँ ना, यशस्वी ने रिसेंटली वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में डेब्यू किया था, पहले मैच में फ्लॉप थे, सेकेंड मैच में एक अच्छी पारी बल्ले से आई थी, नवाद पारी आई थी आई थिंक, लेकिन थर्ड मैच में अगेन फ्लॉप थे। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ फर्स्ट बैटिंग इंडिया करती है तो यशस्वी एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। आप सीवीसी के लिए बेस्ट ऑप्शन यशस्वी को देख सकते हो। वहीं बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो जिस तरह से आईपीएल में खेलते हुए नजर आए, इंटरनेशनल लेवल में हमने बहुत बार देखा है ऋतुराज को फेल होते हुए, लेकिन यहाँ सामने वाली टीम क्योंकि आपकी थोड़ी कमजोर है यार, देखो इंटरनेशनल लेवल में अगर हम कम्पीट करें तो वहाँ पर आयरलैंड थोड़ी कमजोर टीम है, तो हो सकता है ऋतुराज से भी यहाँ एक बड़ी पारी देखने को मिल जाए। और बाकी आपको पता है तिलक वर्मा किस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा संजू सैमसन यहाँ पर एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, शिवम दुबे को मौका दिया गया है, रिंकू सिंह को मौका दिया गया है, रिंकू सिंह इस मैच में खेलेंगे नीचे से भी, मतलब कि बैटिंग बहुत तगड़ी है इंडिया की, बैटिंग जबरदस्त होने वाली है। वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह रहेंगे यहाँ के सीवीसी के की प्लेयर। इसके अलावा बुमराह को लेके देखो मैं थोड़ी सी बहुत श्योर नहीं हूँ, हालांकि हम सबको पता है कि बूम बूम बुमराह किस तरह के यॉर्कर किंग है, किस तरह से बॉलिंग करते हैं, इतने सालों का जो रिकॉर्ड रहा है, चाहे हम बात करें इंडिया की तरफ से या मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन गाइस रिसेंटली अभी इंजरी से लौट रहे हैं तो कितने फिट हैं, कितने ओवर डालेंगे, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी है, तो मैं वो चीज़ें आपको टेलीग्राम पे कवर करके आपको लास्ट में बता दूंगी। इसके अलावा मुकेश कुमार, हालांकि यहाँ पर रवि बिश्नोई भी एक बहुत गेंदबाजी में एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो गाइज अब हम क्या बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों की, रीसेंट क्या फॉर्म चल रही है, कि आपको ग्रैंड लीग में किस पे रिस्क लेना है, आपको स्मॉल लीग में किसके साथ सेफ जाना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 171/95/1/84/5। आप देखो एक मैच बाद फ्लॉप है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यहाँ पर यशस्वी 50 प्लस पारी मारने वाले हैं। गायकवाड़ राइट हैंडेड बैटिंग 64/29/50/25 आखिरी मैच में 8 रन बने थे। तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड बैटिंग 39/51। आप देखो एक मैच छोड़ दो तो तिलक वर्मा ने चारों मैच में अच्छा परफॉर्म किया है। टॉप ऑर्डर को तो हम ड्रॉप कर ही नहीं सकते, आप ये चारों को अगर रख लेना, इंडिया फर्स्ट बैटिंग करने आएगी तो ये चारों आप अपनी टीम में कंफर्म रखना। संजू सैमसन तक बैटिंग आएगी और जबरदस्त बैटिंग इस बार संजू सैमसन के बल्ले से होने वाली है। आखिरी पे 5 के 5 मैच में इस तरह का जबरा खिलाड़ी फ्लॉप रहा है, लेकिन ये एक मौका होगा संजू को भी अपने फॉर्म में वापसी करने का। इसके अलावा शिवम दुबे लेफ्ट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम बॉलिंग 2 विकेट 1 विकेट, लास्ट 3 मैच से विकेटें नहीं मिली है, बैटिंग भी बहुत ज़्यादा मौका मिलने वाला नहीं है। रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, आप देखो रिंकू सिंह बैटिंग नीचे आएगी, लेकिन आपको पता है कि रिंकू का क्या हाल है, कि अगर इनको 10 से 15 गेंदें भी मिल गई ना, मतलब अगर आखिरी के ओवर में आपको 30 रन भी चाहिए तो रिंकू कहेगा मैं 6 गेंद पे बना के दे रहा हूँ। वॉशिंगटन सुंदर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, आखिरी मैच में 3 विकेट मिले थे। रवि बिश्नोई राइट आर्म लेग स्पिन 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, आखिरी दोनों मैच में विकेटें नहीं मिली है। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। और अर्शदीप अगर आप ये एक मैच छोड़ दो ना, कंसिस्टेंट बॉलर है इंडिया की तरफ से, हर मैच में विकेट निकालते हैं। और यहाँ पर देखो गाइस पावर प्ले में भी विकेट निकालेंगे, आपके डेप्थ में भी विकेट निकालेंगे। जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्ट बॉलिंग 2 विकेट 6 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली थी। यहाँ पर बात करें अगर मुकेश कुमार की, तो लास्ट के मैच में एकाका विकेट है, हालांकि मुकेश को मैं ड्रॉप करने वाली हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा प्लेयर के स्टैट्स आप देख सकते हो सकता है आवेश खान देखने को मिल जाए इस मैच में, तो उनके भी स्टैट्स आपके पास प्रॉपर रहने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, मैं हट जाती हूँ। बॉलिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो गाइज यहाँ पर देखो पावर प्ले में बॉल डालने आएंगे बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, वॉशिंगटन सुंदर, डेथ में बॉल डालेंगे मुकेश कुमार, बुमराह और अर्शदीप। आपके डेथ के ये जो दो बॉलर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और पावर प्ले में भी अगेन बुमराह और अर्शदीप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने देखा भी है इंडिया के मैच में किस तरह से पेसर ने ज़्यादा विकेटें निकाली है, स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट नहीं मिली है, लेकिन हालांकि सुंदर हैं, रवि बिश्नोई हैं,
तो देखते हैं क्या होगा, आगे बात करेंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर देखो पहला मैच है, थोड़ा ट्रिकी मैच होने वाला है। तो आयरलैंड की प्लेइंग 11 रहेगी, ओपन करने आएंगे पॉल स्टर्लिंग, जो कि हमेशा आए गए राम हैं, ये कभी चलेंगे तो बहुत चलेंगे, चले तो चांद तक वरना आधी रात है, तो उसका साथ देते हुए नजर आएंगे एंडी बालबरी, ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर। इसके अलावा फिर देखने को मिलेंगे लॉरेन टकर, हैरी टेक्टर बैटिंग से पॉइंट दिला सकते हैं, जी डेलनी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिलाएंगे, कुर्तिस कैम्फर भी यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिलाएंगे, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर आयरलैंड के तरफ से रहेंगे। इसके अलावा डॉकरेस, फिर देखने को मिलेंगे मार्क अडायर भी बहुत गजब की गेंदबाजी कराते हैं, क्रेगियन मैकार्थियन जोस लिटिल। अगर हम बात करें ना गाइज आयरलैंड की बॉलिंग अटैक में, इनके जो की बॉलर है ना वो है जोसवा लिटिल। हमेशा से हम सबको पता है कि इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर बॉलिंग में अगर हम देखें तो वो हमारे पास जोसवा लिटिल है। इसके अलावा आप इनके ऑलराउंडर के साथ जाना, मैं आपको यही सजेशन दूंगी आयरलैंड की तरफ से, अगर आपको चार पिक करनी है तो आप ऑलराउंडर और बॉलर के साथ जाओ, क्योंकि बैटिंग में दम नहीं है। हालांकि चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पाँच मुकाबले के स्टैट्स की, और स्क्रीनशॉट तो सबसे पहले ले लो ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए यहाँ पर ग्रैंड लीग की रिस्की टीम बनानी है। तो यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग राइट हैंडेड बैटिंग, अब देखो आखिरी पांच मैच में ना एवरेज स्कोर हर मैच में 19-20 रन बना के दे रहे हैं। इसके अलावा एंडी बार्बरिंग की अगर हम बात करें तो आप देखो आखिरी पांच मैच में एक हाफ सेंचुरी के अलावा बाकी सारी छोटी पारियां ही खेली है। लॉरेन टकर राइट हैंडेड बैटिंग विकेट कीपिंग, मतलब लॉरेन टकर की मुझे अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है, क्योंकि आखिरी पांच में से तीन मैच में अच्छी पारी आई है, एक सेंचुरी भी लगाई है। हैरी टेक्टर की अगर हम बात करें ये भी दो मैच में अच्छी पारी खेले हैं। इसके अलावा जी डेलनी राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म लेग स्पिन, दो विकेट जीरो विकेट, एक विकेट एक विकेट। कुर्तिस कैम्फर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, राइट हैंडेड बैटिंग राइट आर्म मीडियम बॉलिंग, तीन विकेट 49 रन, हाफ सेंचुरी 32 रन। देखो ये है ना कि ये सब खिलाड़ी आपको कहीं ना कहीं से पॉइंट कन्फर्म दिला के जाएंगे। डॉकरेल की बात कर लेते हैं, लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग से अच्छा पॉइंट दे रहे हैं। हालांकि देखो बैटिंग नीचे आएगी तो ये तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम कन्फर्म है कि ऊपर से विकेट जाएगा और सबको मौका मिलेगा, इनके नीचे तक मौका मिलने वाला है बल्लेबाजी करने का। मार्क अडायर राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली है। क्रेग यंग राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग, यहाँ पर हर मैच में आखिरी पाँच के पाँचों मैच में विकेट मिली है, प्लस ये फास्टर भी हैं। इसके अलावा पिच यहाँ पर होम ग्राउंड होगा, तो गाइज देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बात कहूँ ना तो क्रेग यंग के साथ आप जीएल में ट्राई कर सकते हो, हालांकि मैं स्मॉलिंग में नहीं प्रेफर करने वाली हूँ। मैं कार्ती राइट आर्म मीडियम 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, लास्ट मैच में 1 विकेट मिली थी। जोसवा लिटिल राइट लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, कंसिस्टेंट बॉलर, और हम सब जानते हैं जोसवा लिटिल किस तरह का बॉलरिंग करते हैं, बहुत सारे लीग में इनको मौका मिलता है, बहुत जगह जा के खेलते हैं, तो भाई इस तरह का बॉलर है इसीलिए हर जगह चांस दिया जाता है। आप एक्स्ट्रा प्लेयर के भी स्टैट्स देख सकते हो, हालांकि मैं 99% श्योर हूँ कि प्लेइंग 11 यही रहने वाली है, और इनका बॉलिंग ऑर्डर क्या रहेगा। तो गाइस देखो पावर प्ले में बॉल डालेंगे मार्क अडायर, मैकार्थी, जोसवा लिटिल, क्रेग यंग, मिडिल ओवर में बॉल डालेंगे मैकार्थी, डेलनी, डॉकरेल, जोसवा लिटिल, कुर्तिस कैम्फर, डेथ ओवर में बॉल डालेंगे जोसवा लिटिल, क्रेग यंग एंड मार्क अडायर। और यार जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप अपने यहाँ पर डेथ ओवर के बॉलर्स को स्पेशली पिक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इंडियन टीम भी चाहेगी बड़े बड़े शॉट खेलना, और वहाँ पर विकेटें आ सकती है। दोनों टीमों की हेड टू हेड मुकाबले की बात करूँ तो दोनों टीमों ने 5 मैच आमने सामने खेला है, और विदाउट एनी डाउट यहाँ पर 5 मैच जीता है हमारी इंडिया टीम ने। गाइज जो आखिरी मैच खेला गया था देखो उसको इंडिया ने काफ़ी अच्छा जीता था, यहाँ पर 225 रन बनाए थे, लेकिन इस मैच में आप देखो आयरलैंड ने भी बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था, सिर्फ और सिर्फ 4 रन से हारी थी आयरलैंड, मतलब 221 रन मारा था, आप कम नहीं आको यहाँ पर। लेकिन देखो संजू सैमसंग ने यहाँ 77 रन बनाए थे, और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर संजू सैमसंग की प्लेयर बन सकते हैं इस मैच में। इसके अलावा रवि बिश्नोई 1 विकेट निकाले थे। आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग ने 40 रन मारा था, इस मैच में बहुत कम चांस है, लेकिन एंडी बालबरी ने एक अच्छी खिलाड़ी है, टिक्के खेलते हैं इजिली, अपना विकेट नहीं फेंकेंगे, तो ये एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। टेक्टर ने 39 रन बनाया था, मार्क अडायर 3 विकेट, जोसवा लिटिल 2 विकेट, क्रेग यंग, और ये तीनों ही बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस सीरीज में भी। इसके अलावा मैच देखेंगे जो आखिरी मैच इंडिया ने जीता था, वहाँ पर देखो पॉल स्टर्लिंग एज यूजुअल फ्लॉप, हैरी टेक्टर यहाँ पर भी परफॉर्म किया है और यहाँ पर भी परफॉर्म किया है। इसके अलावा जोसवा लिटिल, क्रेग यंग को यहाँ भी विकेट मिली और यहाँ भी विकेट मिली, और इसीलिए मैंने कहा क्रेग यंग आपके जीएल की पिक हो सकते हैं। जोसवा लिटिल आपके हर एक टीम में होने चाहिए, चाहे टीम स्मॉल लीग की या फिर ग्रैंड लीग की है। तो चलिए गाइस बहुत सारी बातें कर ली, यहाँ से आपके की प्लेयर निकल के आ जाने वाले हैं, और मैंने बता भी दिया जो प्लेयर आपके हमेशा परफॉर्म करते हैं
दोनों साइड जब भी टीम आमने सामने आती है तो मैच प्रेडिक्शन क्या रहने वाला है कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा। और मेरा प्रेडिक्शन वेरी क्लियर है, मेरे थॉट प्रोसेस की तरह इंडिया इस मैच को वन साइडेड विनिंग करने वाली है। दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर आयरलैंड अपने आखिरी 5 में से 4 मैच जीती है और इंडिया अपने आखिरी 5 में से 2 मैच जीती है। लेकिन गाइज अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये आंकड़े मतलब जो भी हैं, लेकिन इंडिया की ये टीम कम्प्लीटली डिफरेंट टीम है, एक नई टीम है, एक नौजवानों की टीम है। कुछ 2-4 प्लेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा है इस सीरीज में इंडिया बहुत अच्छा करने वाली है और बुमराह बहुत अच्छा कप्तान यहाँ पर बन के निकलेंगे। तो गाइस देखो वो इतनी बातें तो कर दी है, लेकिन इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम क्या रहने वाली है, जिस टीम से आप पैसे बनाने वाले हो, सारा प्रेडिक्शन रह जाएगा एक तरफ अगर टीम कमाल करके देगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट सबसे पहले लो टीम का। विकेट कीपर में हमारा ऑप्शन है संजू सैमसन एंड लॉरेन टकर। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में तिलक वर्मा, पॉल स्टर्लिंग, गायकवाड और जायसवाल। यहाँ पर आप पॉल स्टर्लिंग की जगह एंडी बार्बरिंग के साथ जा सकते हो, या यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है यहाँ पर क्रेग यंग के साथ जा सकते हो, जोसुआ लिटिल, ये एक चेंज आप कर सकते हो। ऑलराउंडर में कुर्तिस कैम्फर, यहाँ पर जी डेलनी। बॉलिंग सेक्शन में मार्क एडायर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये बेस्ट टीम है। बाकी एक दो चेंजेस जो आपको करना है वो मैंने बता ही दिया है। और फाइनल टीम तो आप सबको पता है टेलीग्राम पे आती है। लाइनअप के बाद इस मैच के कैप्टन की बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन होने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। वीसी के लिए आप तिलक वर्मा के साथ भी जा सकते हो। मुझे लग रहा है इस मैच में दोनों तोड़ने वाले हैं, आयरलैंड की बहुत तोड़ाई होने वाली है। तो देख लो आप, मेरी टीम यही रहने वाली है। बाकी इस मैच की ग्रैंड लीग पिक क्या रहेगी हमारे ग्रैंड लीग स्पेशल यूजर के लिए, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, यशस्वी, जसप्रीत बुमराह, कुर्तिस कैम्फर और जी डेलनी। टोटल 6 पिक है हमारे पास ग्रैंड लीग के लिए। ग्रैंड लीग में अगर आपको विनिंग करनी है तो जैसा मैंने हमेशा कहा, आपको बहुत सेफ नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पैटर्न सेम रखना है गाइस, पैटर्न मत चेंज करना। आपको 6 से 7 प्लेयर आपको सेफ रखने हैं, 2 से 3 प्लेयर को आपको शफल करना है, चेंज करना है। आप ट्राई करो किसी में एंडी बालब्रेन को, किसी में पॉल स्टर्लिंग को, किसी में आपको मार्क एडायर अगर आप रख रहे हो, जोसुआ लिटिल को, इवन क्रेग यंग यहाँ पर काफ़ी यंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन ट्राई करो। सीवीसी के लिए कोशिश करना कि ये जो हमारे 6 ऑप्शन है इनमें से ट्राई करो, क्योंकि मैं लिख के दे सकती हूँ इन 6 में से आपको 3 से 4 खिलाड़ी इस मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलाने वाला है। ठीक है गाइस, इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। बाकी आप सबको पता है, देखो मेरी फाइनल टीम तो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि वो आती है लाइनअप के बाद, टॉस होने के बाद, जब हमें पता चलता है टॉस किसने जीता है, पहले बॉलिंग या बैटिंग कौन करने वाला है, क्या कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस तो नहीं है। हालांकि जो टीम मैंने आपको बताई आप देख लेना, 99% यहाँ सेम टीम रहने वाली है, बहुत कम चांस है कि कोई चेंज होगा। तो गाइज देख लो, यहाँ पर तो बहुत सारी बातें सब कुछ कर ही दिया, बाकी आपको पता है टेलीग्राम पे सब लोग ज्वाइन हो जाना इस धमाकेदार मैच में अगर जबरदस्त पैसे कमाने। इसके साथ ही साथ पैरेलल में देखो जितने भी मैच चल रहे हैं, चाहे आप बात करें लंका प्रीमियर लीग की, 100 वीमेंस 100 मैन, इंडिया के मैच अभी जो रिसेंटली चले उसमें हमने जबरदस्त विनिंग कराई है। स्मॉल लीग की टीम के साथ साथ हम आपको ग्रैंड लीग के कुछ ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जो गाइज नेक्स्ट लेवल पे। अभी कल वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट था, जिसको किसी ने आपको नहीं बताया था, और सिलेक्शन परसेंटेज भी आप जाके देख सकते हो। सिलेक्शन परसेंटेज पे टीम नहीं बनती है, ग्रैंड लीग की विनिंग करनी है सिलेक्शन परसेंटेज पे जो टीम बना के देते हैं उससे तो कभी भी नहीं जीतने वाले हो, ये मेरे से लिख के आज ले लो। ठीक है गाइस, तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, लेकिन सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताने की वीडियो कैसी लगी। बाकी आप चाहो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो।